नमस्कार दोस्तों, अगर आप करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और तलाश में है किसी ऐसे टूल की जिसका इस्तेमाल करके आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सके, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस करने के बारे में और ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको देंगे कुछ फ्रीबीज जिनको इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप चार्टिंग में आराम से सिग्नल्स को पकड़ पाएंगे, यानी कि आप ट्रेंड को आराम से एनालाइज कर पाएंगे और देख पाएंगे कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड है, कब बाय का है, कब सेल का ट्रेंड है, जो कि आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, मैं कहूँगा अगर आप आंकड़े के हिसाब से देखें तो 90% ट्रेडर्स जो हैं वो चार्टिंग का, एनालिसिस का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनको बेसिकली पता ही नहीं होता कि क्या है टेक्निकल एनालिसिस और क्या है चार्टिंग और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। वो सीधा ब्रोकर की एडवाइस लेंगे या फिर टीवी चैनल्स पर देखते रहते हैं कि भाई किस तरीके से किसने क्या रिकमेंडेशन दी, उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग करते हैं या फिर वो अपनी मर्जी से ट्रेडिंग करते हैं और वो ऐसे स्टॉक्स में एंटर कर जाते हैं जिनमें कि ट्रेंड डाउन होता है या फिर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और वो बाय के सिग्नल ले लेते हैं या फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और वो सेल के सिग्नल ले लेते हैं। इस तरीके से जो ट्रेड वो करते हैं, यानी कि जो उल्टा पुल्टा जो ट्रेडिंग का प्रोसीजर उनका हो जाता है, उसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। उस नुकसान से बचने के लिए क्या करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। नुकसान से बचने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी होगी और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है चार्ट और हिस्ट्रिकल डेटा, यानी कि हिस्ट्री का डेटा उस पर्टिकुलर सिंबल का, SBI इनका पिछला एक साल का डेटा, दो साल का डेटा, किसी भी टाइम फ्रेम पे। तो उससे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से किस तरफ गई है और अभी किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है और उन ट्रेंड को गैस करने के लिए, उन ट्रेंड को फोरकास्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर्स का। ठीक है, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं और चार्टिंग सॉफ्टवेयर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बेसिकली आजकल आप वैसे देखें तो आपको जो ब्रोकर्स होते हैं, जो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर भी आपको काफ़ी सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग सिंबल के आप चार्ट लगा के देख सकते हैं और साथ ही साथ इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस सॉफ्टवेयर की आपसे बात कर रहा हूँ वो अपने आप में एक खास सॉफ्टवेयर है। वो खास क्यों है, उसकी वजह ये है दोस्तों कि वो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाने वाला ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। इंडिया में हम उसको चार्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और सॉफ्टवेयर का नाम है दोस्तों MetaTrader 4। ठीक है, MetaTrader 4 में हम आपको क्या देंगे, हम आपको फ्री स्ट्रैटेजीज देंगे जिनमें आपको बाय सेल के सिग्नल भी दिखाई देंगे, एरो आएगा ताकि आसान हो जाएगा। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरीके से आपको चीज़ें दिखती हैं। आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है अगर आप करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल को या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स के साथ ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको जो चीज़ दिख रही है वो है MetaTrader 4 का सॉफ्टवेयर। अब MetaTrader 4 इतना खास सॉफ्टवेयर क्यों है और क्या वजह है इसके खास होने की, वो दोस्तों ये है कि इसमें जो चार्टिंग का डेटा आता है वो आता है रियल टाइम और LTP पे, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस का डेटा आता है। ठीक है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जब आप देखते हो चार्ट, उस चार्ट में क्या होता है कि कुछ डेटा, जैसे मान लीजिए मार्केट शुरू हुई है, ठीक है, 9:15 बजे मार्केट खुला, तो मार्केट खुलते जो स्पाइक आता है ना एकदम से, उस पर ना किसी का ट्रेड नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का आप देखोगे, आपने सिग्नल लगाया, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया तो वो ऑर्डर से नीचे का आपको लो दिखाएगा लेकिन आपका ऑर्डर नहीं गया होगा। ठीक है, तो वो जो डेटा है ना, वो जो स्पाइक्स आती हैं उन पर ट्रेड्स नहीं होते, तो वो डेटा भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर आता है जो उनके चार्ट के सेक्शन में आता है। लेकिन यहाँ पर MT4 में उस तरीके का डेटा नहीं आता, इसमें सिर्फ लास्ट ट्रेडेड प्राइस का जिस पर ट्रेड हुआ है वो डेटा आता है इसमें। ठीक है, इसलिए भी ये खास है। दूसरा इसमें एक खास बात ये होती है दोस्तों, जैसे ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है उसमें आप क्या ना कोई इंडिकेटर अलग से नहीं लगा सकते, कुछ अपना नहीं बना सकते, जो उन्होंने दिए हैं बेसिक सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, RSI, उन्हीं को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कुछ प्लान है कुछ RSI पे कुछ करने का या कुछ ऐसा करने का जिसको करने से आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकती है, तो वो चीज़ आप उसमें नहीं कर सकते। उनके लिए आपको फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे MetaTrader 4, ME ब्रोकर, निंजा ट्रेडर, इस तरीके के सॉफ्टवेयर में
जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोडिंग करने की फैसिलिटी मिलती है। इनके बाकायदा एडिटर्स होते हैं जिसमें जाके आप अगर आईटी फील्ड से हैं तो आप खुद से अपने इंडिकेटर बना सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप किसी को हायर कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं इसमें मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये MT4 है, इसमें आपको तीन स्क्रीन्स दिखाई देती हैं। पहली स्क्रीन जो है वो लेफ्ट साइड वाली, वो है मार्केट वॉच, उसके नीचे है नेविगेटर, और राइट साइड में जो स्क्रीन है दोस्तों उसको हम कहते हैं चार्ट विंडो। ठीक है, इस विंडो में चार्ट आता है, चार्ट विंडो में आप चार्ट देख सकते हो। टाइम फ्रेम चेंज करने का अलग अलग ऑप्शन है। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए हमने वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर वो आपको देखना है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो लिंक से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए जो मैंने आपको बताया था फ्रीबीज वो किस तरीके से आपको मिलेंगी, उसके लिए दोस्तों आपको कहां जाना है, उसके लिए आपको हमारे एक लिंक पे जाना है। ठीक है, मैं तो आपको जिस URL पे जाना है दोस्तों उसका नाम है bit.ly/msgabs। ये URL भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। जैसे आप इस URL पे जाते हो तो आपको क्या ना एक यहां पर लिस्ट मिलेगी, और उस लिस्ट में से आपको कुछ डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आपको क्या डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है MCX Shorgain Free और MCX Shorgain Free BNG। ठीक है, अगर हम आपको, हमारे पास दो सर्वर्स हैं, ठीक है, जिसका हम MT4 का डेटा देते हैं। अगर हम आपको स्पार्टन का डेटा देंगे, स्पार्टन FX का, तो आपको फ्री वाले MSG वाले डाउनलोड करने हैं, और अगर हम आपको बुलियन नेक्स्ट का देंगे BNG का, तो आपको नीचे वाले फोल्डर पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर को डाउनलोड कर रहा हूँ, इस फोल्डर को क्लिक करने से फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा, नीचे आप देख सकते हो फोल्डर डाउनलोड हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब उसके बाद हमें इसको शो इन फोल्डर करेंगे और इसको डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए डेस्कटॉप पे मेरे आपको दिखाई दे रहा होगा। जब हम डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे तो इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, इसमें आपको एक तो टेम्पलेट का फोल्डर मिलेगा और ये इंडिकेटर्स मिलेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसको कॉपी करना है और MT4 में जाना है, और यहाँ पर फाइल में जाके ओपन डेटा फोल्डर में जाना है। ओपन डेटा फोल्डर में जाने के बाद आपको जाना है MQL4 में, उसके बाद इंडिकेटर्स में, और यहाँ पे आपको ये फोल्डर पूरा का पूरा फोल्डर ही पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप अलग से फाइल मत पेस्ट कीजिएगा, फोल्डर का फोल्डर ही पेस्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको इस फोल्डर को ओपन करना है, इसमें से टेम्पलेट है, इसको इस फोल्डर को डबल क्लिक करना है और इसमें से फाइल्स निकाल लेनी है। इन तीनों फाइल्स को आप कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ना इसी फोल्डर में वापस जाना है एक जगह, मैं डायरेक्ट जाके बताता हूँ। फाइल पे जाना है, फिर आपको ओपन डेटा फोल्डर पे जाना है, और उसके बाद आपको जाना है टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में आपको जाके ये तीनों फाइल्स पेस्ट कर देनी है। ठीक है, बस दोस्तों हो गया। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, MT4 ये आपके पास चालू ही है, इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद आप जब राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे जाएंगे तो आपको ये टेम्पलेट्स दिखाई दे रही है, देखो 1, 2, 3 ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तीन अलग अलग टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रही है। सुपर ट्रेंड की टेम्पलेट जब आप क्लिक करेंगे तो ये सुपर ट्रेंड के हिसाब से आपको डेटा बताने लगेगा कि कब बाय या कब सेल का सिग्नल आया, इवन टारगेट क्या क्या थे, स्टॉप लॉस क्या क्या थे, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको चार्ट में ही मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप चार्ट वॉच कर सकते हो। और खास बात ये भी है कि जब कोई नया सिग्नल बनता है तो अलर्ट आता है, साउंड अलर्ट आता है। मान लो आप कुछ अपना काम कर रहे हो, ठीक है, आप नहीं देख रहे चार्ट को, तो भी आपको अलर्ट से पता लग जाएगा कि नया सिग्नल बन गया है, तो आपको उस हिसाब से ट्रेड कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरा टेम्पलेट, अगर हमें लगाना है तो राइट क्लिक करके हम टेम्पलेट्स पे जाके दूसरा टेम्पलेट भी देख सकते हैं। दूसरा टेम्पलेट है मास्टर ट्रेंड। तो मास्टर ट्रेंड में क्या है, इसमें भी आपको सिग्नल्स मिलते हैं। तो इसमें बाय का सिग्नल चल रहा है आपका पुराना, और उसमें टारगेट दिए हुए थे, तो ये देखिए टारगेट 1, 2, 3 तीनों तक हिट कर गया, और उसके बाद अभी ये चल रहा है। ये मास्टर ट्रेंड जो है ट्रेंड फॉलोइंग है, यानी कि क्या लॉन्ग टर्म में चलता है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो, डे क्लोज पे आप उसको क्लोज कर सकते हो। जिस दिन आपको सिग्नल मिले उस दिन ट्रेड करिए, जिस दिन नहीं मिले उस दिन वेट करिए। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरी स्ट्रेटजी पे। तीसरी स्ट्रेटजी में राइट क्लिक करके टेम्पलेट पे जाना और स्पार्क सिस्टम पे क्लिक करना है। तो स्पार्क सिस्टम में आपको, अब देखिए यहाँ पर आपको हर एक स्ट्रेटजी के हिसाब से ना चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, जैसे जो स्पार्क सिस्टम है उसमें भी बाय का सिग्नल चल रहा है, लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे 4, 5, 6 कैंडल्स तो वो रेड कलर की, यानी कि वहां से आपको पता लग गया कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर दूसरी स्ट्रेटजी पे आप जाते हैं, देखिए मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैं लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि सेल का सिग्नल बनना शुरू हो रहा है, मतलब मार्केट डाउन जाने शुरू हो रही है। उसके बाद जब हम टेम्पलेट में जाके दूसरी टेम्पलेट पे, या मान लीजिए स्पार्क्स पे क्लिक किया हमने, स्पार्क्स तो यही था,
उसके बाद मान लिया हमने सुपर ट्रेंड पे क्लिक किया, तो सुपर ट्रेंड में भी देखिए आप देखेंगे चार कैंडल पहले उसने बता दिया कि अभी सेल का सिग्नल बन गया है और उसके बाद टारगेट्स भी दे दिए हैं उसने, ठीक है। मार्केट देखते हैं उस तरफ कितना जाती है। उसके अलावा मास्टर ट्रेंड जो है, मास्टर ट्रेंड में भी आप देख सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पर नीचे की साइड मार्केट जाने की कोशिश कर रही है और नीचे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको जो सिग्नल जो है सेल का कभी भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि ये सब चीज़ें फ्री में है क्या? नहीं दोस्तों, जो हम स्ट्रेटजीज दे रहे हैं आपको, ये वाली जो फ्रीबीज हैं ये फ्री हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म के लिए जो ये MT4 है ये भी फ्री होता है, लेकिन इसमें जो डेटा फीड होता है ना दोस्तों, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं। चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं, 500 पर मंथ के हिसाब से आप पे कर सकते हैं, 6 मंथ या ईयरली के पैकेजेस के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सॉफ्टवेयर है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। मार्केट में वैसे तो आप देखेंगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मंथली पे आप इसको ले सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है साल की पेमेंट एक साथ करनी है, आप एक महीने की को पेमेंट कर सकते हैं 500 रुपीज़ में, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसके बाद मंथली, ईयरली या हाफ ईयरली जो भी पैकेजेस हमारे हैं उनके हिसाब से आप प्लान्स ले सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डाउनलोड कीजिए MT4 और डाउनलोड कीजिए हमारे इंडिकेटर्स, उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी इंस्टॉलेशन करके दे देंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।